आज का विषय हमारा बीएनएन। देखिए बीएनएन क्या है, आराम से समझिए। बीएनएन यानी भृगु नंदी नाड़ी, 5,000 वर्ष पुरानी दक्षिण भारतीय ज्योतिष है। भृगु नंदी नाड़ी की ग्रामर वैदिक ज्योतिष से बिल्कुल अलग है। बीएनएन में घटनाएं तब होती है जब एक ग्रह दूसरे ग्रह के साथ जुड़ता है। एक ग्रह दूसरे ग्रह के साथ कैसे जुड़ेगा, ये रूल भी वैदिक ज्योतिष से बिल्कुल अलग है और बहुत आसान है। बीएनएन में घटना, या इसको इस तरीके समझिए कि भृगु नंदी नाड़ी में घटना का समय ट्रांजिट यानी कि गोचर गोचर और प्रोग्रेशन से निकाला जाता है या किया जाता है। लगन चाहे कोई भी हो, भृगु नंदी नाड़ी से माता पिता, भाई बहन, पत्नी, संतान, भूत, वर्तमान, भविष्य, इनके बारे में सटीक रूप से पता लगाया जा सकता है। व्यक्ति का प्रोफेशन क्या होगा, क्या प्रोफेशन अच्छा चलेगा, कब प्रॉब्लम आएगी, कब बिजनेस ग्रोथ करेगा, एजुकेशन कैसी होगी, कौन सी एजुकेशन व्यक्ति के लिए अच्छी रहेगी, क्या एजुकेशन में कोई रुकावट आएगी, और अगर आएगी तो कब आएगी, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, व्यक्ति की शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसी होगी, व्यक्ति के लिए कौन सा शहर अच्छा रहेगा, व्यक्ति कब ट्रैवल करेगा, व्यक्ति के आस पड़ोस में कौन रहता होगा, या व्यक्ति के कितने घर होंगे, व्यक्ति कब घर लेगा, व्यक्ति का प्रमोशन या ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, और होगा तो कब होगा, विदेश यात्रा कब होगी, विदेश सेटलमेंट होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कब होगा। ऐसे हजारों सवालों के जवाब भृगु नंदी नाड़ी से विद इन ए मिनट पता किए जा सकते हैं। बीएनएन यानी कि भृगु नंदी नाड़ी की टेक्निक वैदिक ज्योतिष से सरल है, सटीक है और प्रभावशाली है। आसान शब्दों में कहें तो भृगु नंदी नाड़ी वैदिक ज्योतिष और लाल किताब ज्योतिष के लिए एक मील का पत्थर है, एक कड़ी है। मतलब भृगु नंदी नाड़ी के रूल से वैदिक ज्योतिष के प्रिडिक्शन बहुत आसानी से हो जाते हैं, और भृगु नंदी नाड़ी के रूल से लाल किताब ज्योतिष के रूल को समझना भी बहुत आसान हो जाता है। भृगु नंदी नाड़ी में गुरु को जीव कारक कहा गया है, गुरु यानी कि जुपिटर। मतलब कि इस संसार में जितने भी जीव है वो सब गुरु है, क्योंकि गुरु ऑक्सीजन है और हर जीव ऑक्सीजन लेता है। आज की क्लास में गुरु को ही आधार मान करके कुछ अनगिनत सूत्र बताऊंगा, जिससे ये आइडिया लगेगा कि भृगु नंदी नाड़ी कितनी आसान है और इसके सूत्र कितने आसान हैं और ये किस तरीके से वर्क करती है और कितनी जल्दी हम किसी भी कुंडली को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इससे पहले नाड़ी लिंक समझते हैं कि नाड़ी लिंक क्या होता है, ये नाड़ी लिंक होता क्या है और कैसे वर्क करता है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, बीएनएन का एक रूल है कि मैदान में जहां पर फुटबॉल पड़ी है बस वहीं से खेलना स्टार्ट करो। मतलब कि मुझे अगर किसी नेटिव के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो मुझे फर्स्ट हाउस देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर मुझे एजुकेशन या मान लीजिए कि संतान के बारे में देखना है तो मुझे फिफ्थ हाउस देखने की आवश्यकता नहीं है। मुझे व्यक्ति के मकान प्रॉपर्टी के बारे में जानना है तो उसके फोर्थ हाउस को देखने की जरूरत नहीं है। मतलब कि मैदान में जहाँ फुटबॉल है बस वहीं से खेलना शुरू करें। कैसे खेलेंगे हम आगे देखेंगे और डिटेल में देखेंगे। जैसे फर्स्ट हाउस में गुरु है, मैंने अभी बताया कि गुरु जीव कारक है, मतलब कि व्यक्ति स्वयं खुद है। अगर मान लीजिए गुरु से पीछे शुक्र बैठा है और गुरु से आगे मंगल बैठा है,
तो क्या प्रिडिक्शन होगा इसका? व्यक्ति की पहले वाली जो लाइफ है वो बहुत अच्छी थी, लग्जरियस लग्जरियस लाइफ थी, पैसा भी बहुत अच्छा था, लेकिन आगे जाने के बाद में जैसे जैसा व्यक्ति बड़ा होता चला गया वैसे वैसे उसके लाइफ में हर्डल्स आते चले गए, प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती चली गई। अगर इसका उल्टा कर लें, मार्स को पीछे ले लें, वीनस को आगे ले लें, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति की पहले पहले का जो जीवन था वो बहुत ही लाइक स्ट्रगलफुल था। व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल किया और उसके बाद में बहुत अच्छा पैसा बना, क्योंकि शुक्र पैसा है, शुक्र लग्जरी है। मान लीजिए शुक्र की जगह शनि है, तो भी हम क्या बोलेंगे कि नेटिव के जीवन में पहले मतलब कि बहुत संघर्ष रहे हुए हैं, क्योंकि शनि जो है संघर्ष का कारक है। आगे जा करके नेटिव ने बहुत अच्छा पैसा बनाया, अपने संघर्ष करके और पैसा बनाया। अगर शुक्र की जगह हम मंगल रख दें एग्जाम्पल के लिए, और शनि की जगह शुक्र को कर दें एज एग्जाम्पल, क्या इससे क्या प्रेडिक्शन निकलता है कि व्यक्ति व्यक्ति के पास में बहुत बहुत अच्छा पैसा शुरू से ही, और आगे जाकर के इसने जमीन ली, क्योंकि मंगल जमीन है। इस तरीके से हम विद इन ए मिनट प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं। ट्राइन को भी लेना है, सेकंड हाउस को भी लेना है, ट्वेल्थ हाउस को भी लेना है। एज ए एग्जाम्पल, एक योग है आपके कुंडली में जो सभी जानते हैं, गुरु और चंद्र। सिर्फ योग को समझिएगा, गुरु और चंद्र मिलकर के राज केसरी सॉरी गज केसरी योग बनाता है, ठीक है? ये गज केसरी योग कब कब फलित होगा? जब व्यक्ति चंद्रमा को अडॉप्ट कर लेगा। हर एक व्यक्ति को गज केसरी योग के फायदे नहीं मिलते। अगर ये चंद्रमा 12वें घर में भी होता, मतलब कि गुरु से 12th होता, तो भी गज केसरी योगी है, क्योंकि नाड़ी लिंक में आ रहा है। अब ये फलित कब होगा? जब व्यक्ति चंद्र को अडॉप्ट कर लेगा, या तो चंद्रमा से रिलेटेड काम करे या चंद्रमा को अडॉप्ट कर ले अपने लाइफ में, तो कुंडली वाले को गज केसरी योग का पूरा पूरा फायदा मिलेगा। नाड़ी लिंक में एक चीज और है, किसी भी ग्रह से 7वां घर, जैसे कि 7वें घर में मंगल बैठा हुआ है, इसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन। मतलब कि किसी भी ग्रह से 7वें घर में बैठा हुआ ग्रह उस ग्रह का मॉडिफिकेशन है। मतलब कि ये जो ग्रह है वो इस ग्रह के सिग्निफिकेटर को बदलने की क्षमता रखता है। अगर तो नेटिव मंगल को अडॉप्ट करके चलता है या मंगल से रिलेटेड काम करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और अगर मंगल से रिलेटेड मार्स से रिलेटेड कोई काम नहीं करता है, या मार्स को लाइक इसने अडॉप्ट नहीं किया हुआ है, या मार्स से रिलेटेड इसका कोई लेना देना नहीं है, तो व्यक्ति को मार्स प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि 7वें घर में बैठा हुआ ग्रह उस ग्रह के सिग्निफिकेटर को पूरी तरीके से चेंज करने की पूरी पूरी क्षमता रखता है। ये मॉडिफिकेशन है, ये अपने बीएनएन का पार्ट है, चैप्टर है, और लंबा चौड़ा चैप्टर है। ये जो सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ, इनको आप चाहे लाल किताब पे लगाइए, चाहे आप बीएनएन पे लगाइए, चाहे आप पाराशरी पे लगाइए, ये एकदम एक्यूरेट काम करते हैं। जैसे अगर कुंडली में सूर्य और शुक्र अगर इकट्ठे हो तो व्यक्ति की आंखों में प्रॉब्लम रहती है, या व्यक्ति व्यक्ति को आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। कुंडली में चंद्रमा प्लस राहु या चंद्रमा प्लस केतु अगर इकट्ठे हो तो व्यक्ति का विदेश योग बनता है। अगर ये योग गुरु से 3rd हाउस या 9th हाउस में बने तो बहुत अच्छा और बहुत पावरफुल बनता है। कुंडली में गुरु से 4th घर में केतु बैठा हुआ हो तो व्यक्ति का घर कॉर्नर का होगा, और घर के पास कोई ना कोई मंदिर जरूर होगा।
कुंडली में गुरु प्लस राहु अगर दोनों इकट्ठे हो कहीं पर भी, तो ऐसे व्यक्ति को अस्थमा हो सकता है, पूरे पूरे चांस होते हैं, सांस फूलती है ऐसे व्यक्ति की। और राजनीति, विदेश और जेल योग बनते हैं, शनि से दूसरे या 12वें घर में। अगर सूर्य बैठा हो तो व्यक्ति के गवर्नमेंट जॉब के पूरे पूरे चांस होते हैं, शनि से दूसरे या 12वें घर में। अगर सूर्य हो तो व्यक्ति के गवर्नमेंट जॉब के पूरे पूरे चांस बनते हैं, गुरु से 6th हाउस में। अगर शनि केतु दोनों इकट्ठे हो जाए तो ऐसे व्यक्ति की ग्रोथ 30 साल के बाद ही होगी। ये सारे के सारे थंब रूल है। अगर कुंडली में कहीं पर भी गुरु से दूसरे घर में अगर शुक्र बैठा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति के पास में धन की मात्रा बहुत बहुत अच्छी होती है, या धन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। दूसरा, अगर शुक्र कुंडली में या तो तुला राशि में हो या वृषभ राशि में हो, लेकिन अकेला हो, शुक्र अगर तुला राशि में या वृषभ राशि में अगर अकेला बैठा हुआ है तो भी व्यक्ति के पास में लाइक के पैसा या धन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। कुंडली में कहीं पर भी शुक्र और केतु इकट्ठे हो जाए और गुरु से रिलेशन बन जाए, गुरु से रिलेशन बनेगा नाड़ी लिंक से, तो ये वेल्थ प्रॉब्लम देते हैं। कुंडली में शुक्र और केतु कहीं पर भी इकट्ठे हो और गुरु से रिलेशन बन जाए तो ये वेल्थ प्रॉब्लम देते हैं। गुरु से 5वें घर में अगर मंगल बुध या बुध केतु इकट्ठे हो, या गुरु से रिलेशन हो जाए इनका, तो ये एजुकेशन में प्रॉब्लम देते हैं और एजुकेशन ब्रेक हो सकती है, पूरे पूरे चांस होते हैं कि एजुकेशन ब्रेक हो जाए। वैसे हो ही जाती है 100%। अगर कर्क राशि में शनि या राहु दोनों में से कोई एक बैठा हो तो व्यक्ति पॉलिटिक्स में जा सकता है, और अगर व्यक्ति पॉलिटिक्स में नहीं है तो ऐसा व्यक्ति अपने घर में पॉलिटिक्स करता है। अगर 6th हाउस में केतु हो किसी के भी, तो ऐसे व्यक्ति के कम से कम 3 मामा होंगे। अगर कुंडली में गुरु से दूसरे या 8वें घर में केतु हो, तो ऐसा व्यक्ति ससुराल कम जाता है या ससुराल से रिलेशन अच्छे नहीं होते। गुरु से दूसरे घर में अगर राहु बैठा हो तो व्यक्ति के परिवार में किसी की डेथ रात के समय होती है और अचानक होती है। अगर शनि 3 नंबर की राशि में हो, मतलब कि मिथुन राशि में हो, तो ऐसे व्यक्ति के पैरों में लाइक के दर्द रहता है और पैरों में दिक्कत रहती है। कुंडली में अगर गुरु 9th हाउस में हो, किसी का भी गुरु अगर 9th हाउस में बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति के पिता का नाम किसी न किसी भगवान के नाम से होगा, जैसे राम प्रसाद, भगवान सहाय, इस तरीके से, गोपाल कृष्ण, कन्हैयालाल, इस तरीके के नाम होंगे, भगवान का नाम जरूर होगा। अगर गुरु से तीसरे घर में चंद्रमा हो तो व्यक्ति एक बार न्यूज़पेपर में किसी अच्छे अच्छे काम की वजह से उसकी फोटो आती है, अच्छे काम की वजह से। अगर गुरु से तीसरे घर में राहु हो तो ऐसे व्यक्ति के घर के पास शिवजी का मंदिर जरूर होगा। अगर कुंडली के 9th हाउस में बुध प्लस केतु दोनों इकट्ठे हो तो व्यक्ति के ऊपर एक बार जीवन में एक बार कोर्ट केस जरूर चलता है, और 100% चलता है अगर 9th हाउस में बुध केतु इकट्ठे हो, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर जीवन में एक बार कोर्ट केस जरूर चलता है और 100% चलता है। अगर कर्क राशि में, मतलब कि चंद्रमा की राशि में अकेला मंगल बैठा हो, तो व्यक्ति की माता या सास से नहीं बनती,
या तो व्यक्ति की अपनी माता से नहीं बनती, नोकझोंक रहती है, या फिर अपनी सास से नहीं बनती। अकेला मंगल होना चाहिए चंद्रमा की राशि में, कर्क राशि में। अगर कुंडली में शनि और मंगल दोनों इकट्ठे हैं कहीं पर भी, तो ऐसे व्यक्ति की अपने सगे भाई से नहीं बनती। अगर फर्स्ट हाउस में मंगल प्लस केतु दोनों इकट्ठे हों, तो ऐसा व्यक्ति अपने पास या घर में हथियार जरूर रखता है, और व्यक्ति के ऊपर हथियार से हमला होने के पूरे पूरे चांस बनते हैं। कुंडली में शनि से आगे वाले घर में, मतलब कि कुंडली में शनि से दूसरे घर में अगर राहु बैठा हो, तो व्यक्ति विदेश में नौकरी नौकरी कर सकता है, या विदेश से धन कमा सकता है, पैसा बना सकता है। विदेश जाने के भी अच्छे योग बनते हैं अगर गुरु भी लिंक बना ले, नाड़ी लिंक बना ले। अगर 7th हाउस में शनि हो, वो भी सिंह राशि का, मतलब कि सूर्य की राशि का, तो व्यक्ति की पत्नी किसी कैपिटल कैपिटल ऑफ स्टेट से होगी, जैसे राजस्थान की राजधानी जयपुर है, तो किसी राजधानी से होगी। अगर 7th हाउस में शनि हो, वो भी सिंह राशि का, तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी किसी राजधानी से होती है। कुंडली में शनि और शुक्र दोनों का रिलेशन हो, रिलेशन कैसे होगा, वही नाड़ी लिंक से, तो ऐसे व्यक्ति के पास में जीवन भर धन की कमी नहीं रहती। अगर गुरु से दूसरे घर में शनि बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति के पास में धन प्रॉपर्टी के रूप में ज्यादा होगा, मतलब कि कैश कम और प्रॉपर्टियां ज्यादा होगी अगर गुरु से दूसरे घर में शनि बैठा हो। अगर कुंडली के 4th हाउस में केतु हो, तो व्यक्ति के माता जरूर होगी, लेकिन माता का सुख व्यक्ति के भाई बहनों को ज्यादा मिलेगा व्यक्ति के मुकाबले। वैसे ही अगर कुंडली के 10th हाउस में केतु हो, तो कुंडली वाले के पिता जरूर होगा, लेकिन पिता का सुख कुंडली वाले के भाई बहनों को ज्यादा ज्यादा मिलेगा व्यक्ति के मुकाबले। अगर कर्क राशि में केतु हो या 4th हाउस में केतु हो, तो ऐसे व्यक्ति को अपना घर छोड़ना ही पड़ता है। अगर 5th हाउस में गुरु हो, चेक करके देखिएगा अपने सब अपने अपने कुंडली में, जिसका भी 5th हाउस का केतु हो, अगर 5th हाउस सॉरी गुरु हो, अगर 5th हाउस में गुरु हो, तो ऐसे व्यक्ति के घर में टूटा हुआ छाता जरूर होता है। और अगर टूटा हुआ छाता नहीं है, तो जैसे ही छाता छाता लेकर के आएंगे, एज सुन एज पॉसिबल टूट जाएगा, ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। गुरु और शुक्र दोनों एक ही राशि में इकट्ठे हो, मतलब एक ही हाउस में इकट्ठे हो, तो व्यक्ति और उसकी पत्नी एक ही शहर के हो सकते हैं, या एक ही शहर के होते हैं। गुरु और शुक्र दोनों अगर 8 नंबर की राशि में हो, वृश्चिक राशि में हो, तो व्यक्ति के कई स्त्रियों से गुप्त संबंध रहते हैं। शुक्र प्लस केतु प्लस गुरु, मतलब कि शुक्र केतु गुरु, अगर तीनों कुंडली में कहीं पर भी इकट्ठे हो, तो ऐसा व्यक्ति तर्क वितर्क ज्यादा ज्यादा करता है। इसको समझना नहीं है, मतलब कि तर्क वितर्क ज्यादा करना है किसी भी बात को लेकर के। गुरु से दूसरे घर में अगर शनि मंगल दोनों इकट्ठे हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को पैरालाइज अटैक आता है। गुरु से दूसरे घर में अगर शनि और मंगल दोनों इकट्ठे हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को पैरालाइज अटैक आता है। अगर कुंडली में सिंह राशि में गुरु और शुक्र इकट्ठे हैं, तो व्यक्ति की दो शादियां होती है, या एक ही समय में दो रिलेशनशिप होते हैं वाइफ के होते हुए, मतलब कि शादी भी होगी और रिलेशनशिप भी रहेगा। सूर्य शनि और मंगल ये तीनों कुंडली में इकट्ठे हो कहीं पर भी, तो व्यक्ति मशीनरी से रिलेटेड नौकरी या व्यापार करता है।
शनि से दूसरे घर में अगर शुक्र हो तो व्यक्ति के पिता के बहुत सारे दुश्मन होते हैं, मल्टीपल दुश्मन होते हैं। अगर शनि से दूसरे घर में शुक्र बैठा हो तो व्यक्ति के पिता के बहुत सारे दुश्मन होते हैं, मल्टीपल दुश्मन होते हैं। अगर 7 नंबर की राशि में, मतलब कि तुला राशि में, अगर बुध और शुक्र इकट्ठे हो जाए तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है, लेकिन उसकी पत्नी की स्मरण शक्ति कम, लाइक कम होती है, या मेमोरी पावर कम होता है। 7 नंबर की राशि में, मतलब कि तुला राशि में, बुध और शुक्र दोनों इकट्ठे हो तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होगा, लेकिन उसकी पत्नी की स्मरण शक्ति कम होगी या मेमोरी पावर कम होगा पत्नी का। अगर बुध और शुक्र दोनों इकट्ठे हो जाए कहीं पर भी, और दोनों की दृष्टि गुरु गुरु पर हो, मतलब कि गुरु 7वें घर में बैठा हो बुध शुक्र से, तो ऐसा व्यक्ति व्यापारी होता है, मतलब कि व्यापार ही करता है, नौकरी नहीं करता। अगर नौकरी भी करेगा तो जल्दी छोड़ देगा। ऐसा व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ व्यापार ही करता है, नौकरी नहीं करता। बुध शुक्र से एक बात और याद आई, लिख लीजिएगा इसको भी। बुध और शुक्र अगर इकट्ठे हो कुंडली में कहीं पर भी, तो ऐसे ऐसे व्यक्ति की हैंडराइटिंग बहुत सुंदर होती है। अगर कुंडली में मेष राशि में सूर्य हो तो व्यक्ति का जन्म या तो हनुमान मंदिर के पास में हुआ होगा या फिर दुर्गा माता के मंदिर के पास हुआ होगा, अगर मेष राशि में सूर्य बैठा हो। कुंडली में कहीं पर भी, कुंडली में कहीं पर भी मंगल शुक्र और राहु अगर कंजंक्शन में हो, इकट्ठे हो, तो ऐसा व्यक्ति किसी स्त्री के साथ में भाग सकता है या रिलेशन बना सकता है अपनी पत्नी के होते हुए। शुक्र अगर मंगल की राशि में हो, किसी भी राशि में, शुक्र अगर मंगल की राशि में हो तो व्यक्ति की शादी किसी जानकार परिवार में या नियर रिश्तेदारी में होती है, क्लोज रिलेशन में होती है। गुरु से तीसरे घर में सूर्य हो तो ऐसे व्यक्ति का नेम फेम बहुत अच्छा होता है, या ऐसा व्यक्ति जो है वो नेम और फेम का मालिक होता है। व्यक्ति को नेम फेम बहुत बहुत मिलता है और लाइक जरूर मिलता है। गुरु से तीसरे घर में चंद्रमा बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति एक बार अपना घर जरूर बदलता है या बदलेगा। अगर गुरु से तीसरे घर में मंगल बैठा हो तो व्यक्ति के नाम पर एक घर या एक जमीन जरूर होगी, मतलब कि व्यक्ति जो है वो घर का मालिक जरूर होगा। और ऐसे व्यक्ति के घर के पास मिठाई की दुकान या बेकरी या फैक्ट्री या ट्रांसफार्मर या कोई प्लेग्राउंड जरूर होता है। गुरु से तीसरे घर में बुध हो तो व्यक्ति के घर के पास दुर्गा माता का मंदिर होता है, और व्यक्ति के नाम पर कम से कम एक घर जरूर होगा, मतलब कि ये व्यक्ति भी घर का मालिक जरूर बनेगा। अगर कुंडली के तीसरे घर में अगर गुरु बैठा हो तो व्यक्ति के घर के पास मंदिर या स्कूल या दोनों हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक तो जरूर होगा, तो दोनों भी हो सकते हैं। गुरु से तीसरे घर में अगर शुक्र हो तो ऐसा व्यक्ति आराम पसंद होगा, लेकिन कुंडली वाले के पास पैसा बहुत होगा, यह अच्छा होगा, मतलब कि पैसा बहुत अच्छा होगा। गुरु से तीसरे घर में अगर शनि बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति की अपने पड़ोसियों से नहीं बनती। गुरु से तीसरे घर में अगर राहु बैठा हुआ है तो व्यक्ति के घर के पास कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति जरूर रहता होगा, किसी अन्य धर्म का व्यक्ति जरूर रहता है। और गुरु से तीसरे घर में अगर केतु हो तो घर के पास मंदिर जरूर होगा, वॉकिंग डिस्टेंस में। अगर कुंडली में मंगल केतु या मंगल राहु दोनों में से कोई भी एक अगर इकट्ठे हो तो ऐसे व्यक्ति का एक्सीडेंट जरूर होता है, या कोई ना कोई सर्जरी जरूर होती है। अगर कुंडली के फोर्थ हाउस में चंद्रमा और मंगल दोनों इकट्ठे हो तो व्यक्ति की पत्नी का नाम लाइक भूमि से होगा, जैसे कि धरती, धरा, भूमि, भूमिका, इस तरीके से नाम होगा।
अगर कुंडली में शनि केतु इकट्ठे हैं कहीं पर भी, तो ऐसे व्यक्ति को स्किन डिजीज होती है, स्किन प्रॉब्लम आती है। अगर फोर्थ हाउस के ऊपर चंद्रमा और केतु दोनों का प्रभाव ज्यादा है, तो घर के पास कोई पानी का स्रोत जरूर होगा, जैसे कि तालाब, नदी, झील या वाटर टैंक, जो कि सारी कॉलोनी को पानी सप्लाई करता है। अगर सेकंड हाउस में सूर्य और गुरु दोनों इकट्ठे हो, तो ऐसे व्यक्ति के घर के पास सरकारी बिल्डिंग या स्कूल या बैंक जरूर होता है। अगर 12th हाउस में शुक्र हो अकेला, तो व्यक्ति के घर के पास ब्यूटी पार्लर, कपड़े की दुकान, बुटीक या कॉस्मेटिक की दुकान या कार का शोरूम हो सकता है। अगर 5th हाउस में चंद्रमा हो अकेला, तो व्यक्ति के घर के पास शिव जी का मंदिर जरूर होता है वॉकिंग डिस्टेंस में। अगर कुंडली के सेकंड हाउस में शुक्र राहु इकट्ठे हो, तो ऐसा व्यक्ति शराब पीता है। अगर 5th हाउस में राहु हो या राहु 5th हाउस को देखे, तो ऐसे व्यक्ति की लड़की जरूर होती है। अगर 7th हाउस में राहु हो, तो व्यक्ति की पत्नी के अंगूठे पर बाल होते हैं। अगर कुंडली में शनि राहु इकट्ठे हैं, तो कुंडली वाले को लाइक ये पैरालाइज अटैक जरूर आता है। दूसरा, पाइल्स की बीमारी हो सकती है। अब इसको इस तरीके समझिएगा कि अगर पाइल्स है तो पैरालाइज अटैक नहीं आएगा अगर शनि राहु इकट्ठे हैं, तो सबसे पहले तो ये पाइल्स की प्रॉब्लम ही देते हैं। तो पाइल्स जरूर होगा, और अगर पाइल्स नहीं हुआ तो पैरालाइज अटैक आएगा। अगर कुंडली में शुक्र राहु इकट्ठे हो, तो ऐसे व्यक्ति के गले में कोई ना कोई चीज जरूर फंसती है। अगर 1st हाउस में बुध हो अकेला, तो जब व्यक्ति हंसता है तो उसके गालों पर डिंपल पड़ते हैं। अगर कुंडली में मंगल बुध इकट्ठे हो, तो घर में किचन के पास सीढ़ियां होती है या किचन के पास कोई फ्लावर पॉट या ग्रीनरी जरूर होती है। अगर 4th हाउस में राहु हो, तो घर के पास कोई खाली मकान होगा या घर के ठीक सामने सीवर लाइन का ढक्कन होगा। कुंडली में शुक्र शनि इकट्ठे हो, तो पिता के बड़े भाई की आईसाइट खराब होती है। कुंडली में शुक्र शनि अगर इकट्ठे हो, तो पिता के बड़े भाई की आईसाइट खराब होती है। दूसरा, अगर सेकंड हाउस में शुक्र और मंगल है इकट्ठे, तो ससुर के बड़े भाई की आईसाइट खराब होती है। अगर 1st हाउस में या सेकंड हाउस में गुरु और राहु दोनों इकट्ठे हो, तो ससुराल में किसी को कैंसर या थायराइड जरूर होता है, और व्यक्ति को खुद को भी हो सकता है। 1st हाउस या सेकंड हाउस में गुरु और राहु दोनों इकट्ठे हो, तो व्यक्ति के ससुराल में किसी को कैंसर या थायराइड जरूर होता है, और नहीं तो कुंडली वाले को भी हो सकता है। दूसरा, अगर कुंडली में बुध और केतु इकट्ठे हो, तो ऐसे व्यक्ति के परिवार में किसी न किसी को थायराइड जरूर होता है, थायराइड की प्रॉब्लम जरूर होती है बुध केतु इकट्ठे हो। अगर 10th हाउस में केतु हो, तो ससुराल का मकान कॉर्नर का होता है, और हो सकता है कि इनकम्प्लीट हो, मतलब कि पूरा बनावा ना हो। अगर कुंडली में गुरु, शनि और बुध तीनों ग्रह इकट्ठे हो जाएं, तो घर के पास एटीएम या बैंक, स्कूल या कॉलेज जरूर होता है। अगर कुंडली में मंगल, चंद्रमा और शुक्र तीनों ग्रह इकट्ठे हो, तो लड़की की शादी घर से दूर होगी, आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ स्टेट। अगर कुंडली में मीन राशि में बुध हो, मतलब कि 12 नंबर की राशि में बुध बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति के पैरों में नसों से रिलेटेड तकलीफ रहती है। अगर 8th हाउस में शनि हो, तो व्यक्ति की विदेश यात्रा होने के चांस बनते हैं, जहां तक है जरूर होती है, 99.9% बनती है, होती है। और जब भी व्यक्ति घर खरीदेगा या मकान बनाएगा, तो कोई ना कोई नुकसान जरूर होगा, परिवार में किसी की डेथ भी हो सकती है, स्पेशली चाचा की।
अगर चाचा है तो, और नहीं तो बड़े भाई की। अगर कुंडली में चंद्रमा और शनि इकट्ठे हो तो घर की दीवारों में सीलन रहती है या नल से पानी टपकता रहता है। अगर थर्ड हाउस में राहु हो तो व्यक्ति की अपने भाई बहन या पड़ोसियों से नहीं बनती, या पड़ोस में कोई विडो लेडी जरूर रहती होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि पड़ोस में कोई निसंतान व्यक्ति हो, और ऐसा व्यक्ति भी रह सकता है जिसके सिर्फ और सिर्फ लड़के ही हो, लड़का ना हो। अगर कुंडली में सूर्य राहु को देखे तो कुंडली वाले के पिता को हार्ट अटैक आ सकता है, पूरे पूरे चांस है। अगर थर्ड हाउस में चंद्रमा और बुध इकट्ठे हो तो पड़ोस में किसी ने संतान गोद ली होगी, मतलब कि बच्चा गोद लिया होगा। अगर गुरु से तीसरे घर में शनि केतु इकट्ठे हो तो व्यक्ति का एक भाई अपने परिवार से कहीं दूर जाकर के रहता है, और हो सकता है कि उसकी मैरिड लाइफ खराब हो या खराब हो जाए। गुरु से फोर्थ हाउस में अगर कर्क राशि हो और कर्क राशि में शुक्र बैठा हो, गुरु से फोर्थ हाउस में चंद्रमा की राशि हो, कर्क राशि हो और कर्क राशि में अकेला शुक्र बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति की बहन दुर्भाग्यशाली होती है, मतलब कि किसी न किसी प्रॉब्लम में होती है। अगर गुरु से सेकंड हाउस में बुध प्लस चंद्रमा दोनों इकट्ठे हो तो व्यक्ति शराब पीता है या ड्रग एडिक्ट हो सकता है, पूरे पूरे चांस है। अगर फीमेल की कुंडली हो और शनि मंगल से दूसरे घर में हो, अगर फीमेल की कुंडली हो और शनि मंगल से दूसरे घर में हो तो फीमेल को वैवाहिक सुख नहीं मिलता। अगर बुध शनि सेकंड हाउस में हो और गुरु राहु थर्ड हाउस में हो, अगर बुध शनि सेकंड हाउस में हो और गुरु राहु थर्ड हाउस में हो तो व्यक्ति कपड़े या लग्जरी आइटम का व्यापार करता है। अगर गुरु शनि दोनों इकट्ठे मंगल की राशि में हो तो ऐसे व्यक्ति को जमीन जरूर जरूर प्राप्त होती है, मतलब कि व्यक्ति जमीन का मालिक जरूर बनता है। अगर गुरु से सेकंड हाउस में शुक्र और चंद्रमा दोनों इकट्ठे हो तो व्यक्ति की पत्नी को यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर रहती है। अगर कुंडली में सूर्य और शुक्र इकट्ठे हो और गुरु राहु मंगल ये तीनों ग्रह कुंभ राशि में हो, 11 नंबर की राशि में हो, तो ऐसे व्यक्ति के दो शादियों के योग बनते हैं, या व्यक्ति दो शादियां करता है। अगर सूर्य और शुक्र इकट्ठे हो और गुरु राहु और मंगल तीनों इकट्ठे कुंभ राशि में हो तो ऐसे व्यक्ति के दो शादियों के योग बनते हैं, यह व्यक्ति दो शादियां जरूर करता है। अगर कुंडली में कहीं पर भी गुरु शनि और चंद्रमा तीनों इकट्ठे हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत धार्मिक होता है और किसी मंदिर का पुजारी हो सकता है। अगर पुजारी नहीं हुआ तो बहुत धार्मिक होगा। अगर चंद्रमा कर्क राशि में हो तो व्यक्ति को संतान प्राप्ति में परेशानी होती है, अकेला चंद्रमा कर्क राशि में। अगर कुंडली में गुरु से पीछे वाले घर में केतु हो तो व्यक्ति के जन्म स्थान के पास कोई तीर्थ स्थल जरूर होता है। अगर शुक्र मंगल इकट्ठे हो तो व्यक्ति का स्पाउस अपने नेटिव प्लेस का हो सकता है। अगर सूर्य राहु और बुध तीनों किसी एक ही ग्रह की राशि में इकट्ठे हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत हार्डवर्क करता है, या पिता ने अपने जीवन में बहुत हार्डवर्क किया होगा।
अगर सूर्य या मंगल दोनों में से कोई भी एक या दोनों अगर सिक्स्थ हाउस में हो तो व्यक्ति हमेशा कर्जे में लाइक एक कर्जे में रहेगा। अगर उसने कोई लोन ले लिया तो मतलब कि वो लोन उतरने वाला नहीं होगा। अगर केतु फर्स्ट हाउस में हो और गुरु ट्वेल्थ हाउस में हो तो ऐसा व्यक्ति बिना सोचे समझे बात करता है और धोखा खाता है और दूसरों की बातों के ऊपर ज्यादा ज्यादा विश्वास करता है लाइक ये परिवार के लोगों के बजाय। अगर कुंडली में गुरु से थर्ड हाउस में केतु हो तो ऐसे व्यक्ति का पहली बार में काम नहीं बनता, दो या तीन बार कोशिश करने के बाद में काम बनता है। कुंडली में गुरु कहीं पर भी हो, गुरु से तीसरे घर में अगर केतु बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का पहली बार में कभी काम नहीं बनेगा, उसी काम को करने के लिए दो या तीन बार कोशिश करनी पड़ेगी, उसके बाद काम काम होगा। अगर कुंडली में गुरु और केतु कहीं पर भी इकट्ठे हो जाए तो वैसे तो उच्च का फल देते हैं दोनों ही, लेकिन ऐसा व्यक्ति लाइक ये मुंह पर बेइज्जती करने वाला होता है। अगर शनि फोर्थ हाउस में हो तो ऐसा व्यक्ति घर के बाहर खुश रहेगा और जब घर पर आएगा तो उदास रहेगा, मतलब कि घर से बाहर खुश रहता है और घर पर उदास रहता है, फोर्थ हाउस का शनि। अगर गुरु से इलेवेंथ हाउस में राहु हो तो ऐसे व्यक्ति के दादा की मौत 8 साल के अंदर अंदर हो जाती है, और अगर नहीं हुई तो दादा की उम्र 80 साल की होगी। अगर गुरु से इलेवेंथ हाउस में राहु बैठा हो तो दादा की मौत 8 साल के अंदर अंदर हो जाती है, जब कुंडली वाला 8 साल का होगा उससे पहले पहले हो जाएगी, और अगर नहीं हुई तो दादा की उम्र 80 साल की होगी। गुरु कुंडली में कहीं पर भी हो, अगर गुरु से थर्ड हाउस में शनि है तो व्यक्ति के पड़ोस में कोई लंगड़ा व्यक्ति जरूर रहता होगा, लंगड़ा करके चलता होगा। अगर सूर्य और राहु कहीं पर भी इकट्ठे हो तो ऐसे व्यक्ति का डाइजेशन हमेशा खराब रहता है। अगर गुरु सिक्स हाउस में है तो भी व्यक्ति का डाइजेशन खराब रहता है। अगर शुक्र इलेवंथ हाउस में हो तो ऐसे व्यक्ति को स्किन डिजीज होती है। ये 100 से ज्यादा सूत्र हो गए होंगे आई आई थिंक, आज के लिए बहुत है। देखो ये जितने भी सूत्र बताए मैंने ये आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, और ना ही लिखने की आवश्यकता है। ये जितने भी सूत्र बताए मैंने ये ना तो आपको याद करने की आवश्यकता है ना ही आपको लिखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये आपको अपने आप बनाने ही आ जाएंगे। क्योंकि मैंने सिर्फ अभी मैंने किसी भी ग्रह का लाइक ये सिग्निफिकेटर नहीं बताया आपको कि बीएनएन में कौन सा ग्रह लाइक ये क्या क्या सिग्निफिकेटर लेकर के बैठा हुआ है, ठीक है। तो ना तो आपको ये लिखने की आवश्यकता है ना याद करने की आवश्यकता है, ये आपको अपने आप ही बनाने आ जाएंगे। जैसे गुरु से आपने तीसरा घर देखा, या शुक्र से तीसरा घर देखा, शुक्र से दूसरा घर देखा, शुक्र से 12वां घर देखा, आप अपने आप से प्रिडिक्शन बना लेंगे और वो आपका एक्यूरेट ही होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। सर इसमें बेसिक और सर एडवांस दोनों हो जाएगा ना सर, कंप्लीट यस कोर्स? यस 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 बेसिक से एडवांस फुल और सर सारे योग भी आ जाएंगे, जैसे शादी योग हो, संतान योग हो, ये सारा कुछ हम देख सकते हैं ना इसमें सर? यस 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 एकदम एकदम। शादी जो जो शायद शायद एक मिनट, शादी होगी कि नहीं होगी, शादी होगी तो कब होगी, संतान के योग है कि नहीं कुंडली में, और है तो कब, तो संतान कब होगी, ये सारे के सारे आ जाएंगे जी। 100% लिक्विड सब होता है, करेक्ट मतलब कंप्लीट बीएनएन सर, फिर कंप्लीट बीएन जॉब कंप्लीट। वगैरह सारी चीजें, हेल्थ यस 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 सर, इश्यूज भी सारी चीजें ये आ गई। यस ये कोई बेसिक कोर्स, ये कोई बेसिक कोर्स नहीं है, फुल एडवांस कोर्स है, मतलब कि बॉटम से लेकर के फुल एडवांस तक सिखाऊंगा, और जब तक कि खत्म नहीं हो जाता तब तक सिखाता रहूंगा। आप बेसिक से एडवांस तक ले जाएंगे सबको? यस करेक्ट बिल्कुल।